भाई सुनिए, तो सब बाद में होगा। जो ये देखें, ये है और देखो ऐसे मीठा हुआ है, ये सेम ऐसे मीठा है। हाँ, आज प्रातः लगभग 9 बजे कंपनी बाग के पास यह सूचना मिली कि एक महिला जो मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, पल्सर सवार 3 लड़कों द्वारा चेन स्टिचिंग का प्रयास किया गया। वह सूचना मौके से ही कंट्रोल रूम को प्रसारित हुई। कंट्रोल रूम ने तुरंत यह सूचना पूरे जनपद में और आसपास के थानों में प्रसारित किया। वो मोटरसाइकिल सवार लड़के जिसमें सबसे पीछे बैठा वाला पीले रंग का शर्ट पहना था, यही मैसेज हुआ था, NY रोड पर देखा गया। सामने से धूमनगंज क्षेत्र से हमारी क्राइम ब्रांच की टीम प्रभारी श्री ब्रजेश सिंह के साथ आ रहे थे लोग, उनको देख करके ये लड़के तुरंत DSA वाले पुल पर, जो सामने पुल है आप देख रहे होंगे, इस पर ये चढ़ गए। हमारे प्रभारी खुल्दाबाद विनीत सिंह रेलवे स्टेशन के पास थे, सूचना पाकर वो भी दौड़े हैं। ये लड़के पुल से उतरते ही तुरंत अपनी गाड़ी दाहिने मोड़ करके पुल के नीचे आ गए। पुलिस ने जब ललकारा तो इनके द्वारा जो पीछे बैठा था लड़का, उसने तुरंत पुलिस पर जानलेवा हमला किया, फायर किया और पुलिस द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई। मोड़ पर आप देख भी रहे होंगे पुल के नीचे, ये मोड़ पर एकाएक उनकी गाड़ी स्लिप हुई है और यहाँ पर ये गिर पड़े। जो एक लड़का ही मौके पर गिरा था, महताब नाम था, पीले रंग का जो शर्ट पहना हुआ है, इसी ने फायर किया था। 2 इसके साथ जो शेष लड़के थे वो दौड़े इसमें भागे। क्राइम ब्रांच के जो हमारे नए लड़के नौजवान लड़के हैं, 4 दीवारी कूद करके आगे भाग करके करीब 100 मीटर आगे जाते जाते पकड़ लिए हैं। जो मौके पर लड़का जिसको चोट लगी है, ये महताब है, गोली लगी और ये कई पहले से मुकदमों में रहा है, 302 में भी रहा है। और शेष जो दोनों लड़के हैं नायाब और सलीम, ये भी दोनों लड़के आपराधिक छवि के हैं, इन दोनों को मौके से पकड़ा गया है। उसके पास से भी 54 कारतूस बरामद हुआ है, जिसको गोली लगी है पैर में। महताब इसके पास से भी गन मिला है, आप देख भी रहे होंगे पड़ा हुआ है। जब गाड़ी को देखा गया है तो गाड़ी का नंबर आपने ध्यान दिया होगा, UP 70 FH 6056 है, जिसमें F और 0 को मिटा दिया गया है। आपको मैं बता दूं, शायद आपको याद होगा कि 1 नवंबर को भी इसी गाड़ी से चैन स्निचिंग हुई थी, खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में चकिया के पास, गाड़ी का फुटेज भी था। इसी गाड़ी से कल मुट्ठीगंज में भी चैन स्निचिंग हुई है, उसके भी फुटेज मौजूद हैं, उसमें भी यही गाड़ी यूज़ हुई है, यही लड़के यूज़ हुए हैं। इस तरह से लगभग 1 सप्ताह से ये देखा जा रहा था कि 4-5 चैन स्निचिंग की घटनाएं इन लोगों ने किया था। इसीलिए पूरी टीम मॉर्निंग वॉक पर जो महिलाएं या जो बच्चे निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए श्रीमान SSC महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था। तभी से ये खुल्दाबाद में कंपनी बाग के पास चारों तरफ पुलिस लगा करके देखा जा रहा था। और ये क्राइम ब्रांच की टीम, ब्रजेश सिंह और उनकी पूरी टीम, हमारे खुल्दाबाद की टीम विनीत सिंह और पूरी टीम, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं।